हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड सीक्रेट पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, ये सीरीज है बेसिक सी प्रोग्राम्स का और आज की इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं एक सी प्रोग्राम जिससे अपन जनरेट करेंगे टेबल। इस सीरीज में मैं बहुत सारे बेसिक प्रोग्राम ऐड करते जा रहा हूँ। अगर आप इस सीरीज को चेकआउट करोगे, इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन कौन सी बेसिक प्रोग्राम करने वाला हूँ और मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि और बेनिफिट लेना इस प्लेलिस्ट का, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को सेव कर लेना और इसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम हैं वहाँ अवेलेबल, आप उसे देख करके प्रैक्टिस कर लेना। तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए अपने को चाहिए दो तीन चीज़ की जानकारी। जैसे अपने को होनी चाहिए फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अगर दो तीन चीज़ की जानकारी है अपने पास, तो ये कोड बहुत ही इजी होने वाला है हम लोगों के लिए। बहुत ही सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे निकालते हैं अपन। तो आइए चलते हैं कोड एडिटर में बिना किसी देरी के। मैं दोस्तों आपको समझाऊंगा, सबसे पहले मैं कोड लिखूंगा, कोड लिखने के बाद उस कोड को समझा के मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा व्हाइट बोर्ड पर, और फिर उसको समझेंगे कि एक्चुअली बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, और फिर आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ लिखते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैं वीएस कोड एडिटर यूज़ करता हूँ, आपके केस में हो सकता है कि आप कोई और कंपाइलर यूज कर रहे होगे। तो सेम कोड जो यहाँ मैंने लिख के दिखाया और जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, सेम कोड आपका रन कर जाएगा आपके अपने कंपाइलर में। तो दोस्तों आइए एक फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल का नाम रखते हैं प्रिंट टेबल, ठीक है, डॉट सीपीपी। सीपीपी क्यों? क्योंकि अपन सी लैंग्वेज में कोड को लिखने वाले हैं। सीपीपी एक्सटेंशन से आप सी और सी प्लस प्लस दोनों ही लैंग्वेज में कोड को लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बॉयलर कोड चाहिए, एक बेसिक सा कोड चाहिए जिस कोड से अपन इस सी प्रोग्राम को रन करते हैं। इसके बिना अपना कोड काम नहीं करता है, रन नहीं करता है, ठीक है। तो इंट मेन एंड देन रिटर्न जीरो क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, इसलिए। तो अपन यूजर से एक वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू के लिए अपन मल्टीप्लिकेशन टेबल आउटपुट में प्रिंट करने वाले हैं। तो यूजर से वैल्यू लेंगे, इट मीन्स अपने को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले उस वेरिएबल की टाइप बताते हैं एंड देन उस वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम क्या लिखेंगे, टेबल। एंड यूजर को एक मैसेज शो करेंगे, मैसेज में क्या लिखने वाले हैं अपन, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ टेबल, ठीक है। और यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे और यूजर से इनपुट लेंगे, इनपुट टाइप क्या होने वाली है, इंटीजर, एंड देन उस वेरिएबल का नाम जिसमें अपन वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया, अब यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉर लूप, एंड फॉर लूप से क्या होगा, अपना टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट आई, आई की वैल्यू अपन 1 से लेकर के 10 तक अपन चलाएंगे, 1 less than equals to 10, क्योंकि 10 तक ही जनरली टेबल प्रिंट करते हैं अपन, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होने वाला है, मेन कोड यहाँ होने वाला है, यहाँ पर लिखेंगे परसेंट डी मीन्स वो वैल्यू, उस टेबल की वैल्यू जो आप अपन प्रिंट करना चाहते हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, अभी जो करंट वैल्यू आई की चल रही है वो, तो परसेंट डी फिर इक्वल्स टू क्या होगा, परसेंट डी मीन्स वह क्या जो मल्टीप्लाई करके इन दोनों की वैल्यू क्या आई है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टेबल, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पोजिशन पे टेबल, मल्टीप्लाइड बाय करंट वैल्यू क्या है आई की, तो आई, एंड देन क्या, टेबल मल्टीप्लाइड बाय आई, मीन्स उन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा कोड हो गया, इस कोड को ये कोर कोड होने वाला है हमारा। इस कोड को अपन कॉपी करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड में। व्हाइट बोर्ड में मैं इस कोड को पेस्ट करूंगा और 1 by 1 इस कोड को मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर लेता हूं ताकि जैसा मैंने वहां लिखा है उस तरीके से सेम यहां भी आ रहा हो, ठीक है। तो मैंने एक्सपेंड कर लिया, इसको मैं यहां रख लेता हूं। और लेट्स सपोज यूजर ने क्या एंटर किया है अपने पास, वैल्यू, यूजर ने वैल्यू एंटर किया है, यूजर द्वारा एंटर किया गया वैल्यू क्या है, तो अपन टेबल वाली वेरिएबल में अपन स्टोर करें। तो लिखते हैं यहाँ पे टेबल इक्वल्स टू 2, है ना। लेट्स सपोज यूजर ने 2 एंटर कर दिया है। आइए फिर इस कोड को अपन एग्जीक्यूट करते हैं खुद से ही। तो कंपाइलर इस लाइन के पास जाएगा, यहाँ पे क्या है वैल्यू, आई में 1 स्टोर हो गया और आई की वैल्यू है 1, 1 लेस देन क्या है,
10 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ जी ये कंडीशन ट्रू होगी, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होगा, परसेंट डी, परसेंट डी यहाँ पे वैल्यू किसकी आ रही है, तो इस वाले टेबल की वैल्यू आ रही है। तो टेबल में यहाँ पे एक और टेबल अपन क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे लिखेंगे टेबल एंड देन आई एंड देन प्रिंट, क्या क्या प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एक टेबल हमने बना लिया है। तो अभी टेबल में वैल्यू क्या है, टेबल टू की टेबल बना ले सर टू, तो यहाँ यहाँ क्या लिखने वाले हैं, टू क्रॉस मतलब एक्स एंड परसेंट डी। इस परसेंट डी के लिए वैल्यू क्या अपन लिखने वाले हैं, इस परसेंट डी के लिए वैल्यू ये है आई की, जो वैल्यू अभी करंट चल रही है, तो आई की करंट वैल्यू अभी क्या है, वन है, तो इसलिए यहाँ पे वन, ठीक है। एंड इक्वल्स टू परसेंट डी, तो इक्वल्स टू परसेंट डी के लिए इसका कैलकुलेशन करके जो वैल्यू हमको आने वाला है वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। तो टेबल में वैल्यू क्या है, टू, टू को अगर आई के, आई का करंट वैल्यू क्या चल रहा है, वन, तो आई टू को वन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टू होता है, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, टू। तो ओवरऑल प्रिंट क्या होगा, टू मल्टीप्लाइड बाय वन इक्वल्स टू टू, तो यहाँ पे सेम चीज प्रिंट हो जाएगा, टू मल्टीप्लाइड बाय वन इक्वल्स टू टू। आइए इरेज करते हैं और नेक्स्ट इटरेशन में चलते हैं। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, वैल्यू अपन आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और आई की वैल्यू इंक्रीज होकर के क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर के क्या हो जाएगी, अब टू, पहले वन थी वैल्यू अब टू हो गई, अब यहाँ पे क्या वैल्यू, टू, टू लेस देन इक्वल्स टू टेन, हाँ जी ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर से इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, सेम ही तरीके से यहाँ होने वाला है, यहाँ इस परसेंट डी के लिए क्या आएगा वैल्यू, टेबल की वैल्यू वो है टू, इस परसेंट डी के लिए अभी जो करंट वैल्यू चल रही है आई की वो टू, एंड इस परसेंट डी के लिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आई मीन इसका जो कैलकुलेशन होगा हो जाएगा फोर, है ना। तो सेम चीज़ प्रिंट होकर के आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से टू मल्टीप्लाइड बाई टू इक्वल्स टू फोर। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे अपन टेन तक जाएंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन, जैसे ही एट, एट लेट सपोज मैं एट तक जाता हूँ, आई की वैल्यू क्या हो गई एट, ठीक है, बढ़ते बढ़ते एट तक हो गई, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाला है, तो आई के लिए क्या होगा, यहाँ पे एट वैल्यू आ गई, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या एट, एट के पास जब वैल्यू जाएगी तो क्या होगा। तो लेट सपोज ये वैल्यू आई की एट हो गई, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है एट, एट लेस देन इक्वल स्टूडेंट, ये कंडीशन ट्रू हो गई, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करने वाला अपना कंपाइलर, और यहाँ पे क्या आगा परसेंट डी, यहाँ पे टेबल की वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो टेबल में वैल्यू क्या है टू मल्टीप्लाइड बाय परसेंट डी, इस परसेंट डी के लिए आई की वैल्यू यूज करें, आई में अभी करंट वैल्यू क्या चल रही है एट, तो यहाँ पे एट इक्वल्स टू परसेंट डी, इस परसेंट डी में इस क्या कैलकुलेशन आने वाला है, तो टू मल्टीप्लाइड बाय एट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पे सेम वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई बाय एट इक्वल्स टू 16। फिर से एक वैल्यू इंक्रीज होगी 9, 9 के लिए फिर अपन चेक करेंगे, इसको अपन इरेज कर देते हैं और फिर लिखते हैं सेम इटरेशन में, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि प्लस प्लस है आई प्लस प्लस, इसलिए अब फिर से क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 9 हो गई, और फिर से इस लाइन को एग्जीक्यूट करने वाला है, यहाँ पे सेम वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंट डी में सेम वैल्यू आई की वैल्यू, तो फिर से यहाँ पे आई की करंट वैल्यू क्या चल रही है 9, तो यहाँ 9 एंड इक्वल्स टू परसेंट डी, परसेंट डी में इसका जो कैलकुलेशन होगा वो आएगा 9 टू जा 18, तो सेम वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देंगे 2 9 जा 18, है ना, ठीक है। अब फिर से वैल्यू आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहाँ प्लस प्लस है ना, तो इसलिए अब आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 10, ठीक है। अब इसको फिर से इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर से नेक्स्ट इटरेशन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होने वाला है, हमारा आई की वैल्यू क्या है 10 होगी, तो यहाँ पर 10 लिखते हैं, तो 10 लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू 10, 10 के बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, और इस लाइन को फिर से अपन एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करके क्या होने वाला है, यहाँ पे वैल्यू आएगी क्या 2 मल्टीप्लाइड बाय इस परसेंट डी के लिए ये वैल्यू आने वाली है, तो 10 इक्वल्स टू 20, 20 क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इस वाले परसेंट डी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 2 10 जा 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 10 जा 20, है ना, परफेक्ट। अब फिर से आई आई प्लस प्लस है यहाँ पर, तो आई प्लस प्लस जैसे ही, तो इसकी वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी, अब 11 हो जाएगी इसकी वैल्यू। आइए फिर से इरेज करते हैं और नेक्स्ट इटरेशन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होने वाला है, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स, अगर ट्रू है तो नेक्स्ट अपन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे वैल्यू आई की वैल्यू, करंट वैल्यू आई की क्या चल रही है, तो 11, तो 11 क्या लेस देन और इक्वल टू 10 है, नहीं है, इन दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम इस वाले स्टेटमेंट को अभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो हमारा टेबल जो है प्रिंट, मेनली प्रिंट होने वाला है इस तरीके से, हमारा प्रिंट होने वाला है, ये सेम सेम वैल्यू अपने को मिलने वाली है।
तो हमने तो ड्राई रन कर लिया है, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ड्राई रन मैंने किस तरीके से किया है। अब चलिए कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू सेम वैल्यू दे करके टू वैल्यू डालते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे अपन एस्केप कैरेक्टर यूज कर लेते हैं, स्लैश एन से क्या होगा, 1 by 1 वैल्यू प्रिंट होते जाएगी, है ना। तो जितनी बारी लूप इटरेट होगी उतनी बारी ये वैल्यू नीचे में प्रिंट करते जाएगी। आइए देखते हैं इसको, कोड को रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या होने वाला है, सेम आउटपुट मिल रहा है अपने को या नहीं। तो वेट कर लेते हैं जब ये कंपाइलर अपने से पूछेगा कि वो वैल्यू डालें जिसकी आप टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। हाँ जी, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ टेबल। तो यहाँ मैं 2 लिखता हूँ और 2 की वैल्यू, 2 की टेबल अपने को प्रिंट होकर के आ रही है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 9 18 एंड 2 10 20, परफेक्टली। यही अपन चाहते थे कि ऐसा ही हो जाए। अब फिर से मैं एक और वैल्यू के लिए चेक कर लेता हूँ, तो फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी 9 के लिए चेक करता हूँ, 9 की टेबल प्रिंट करके दिखा दे मुझे 10 तक। तो क्या हो रहा है, 9 1 9, 9 2 18 एंड 9 10 90, परफेक्ट गाइज, परफेक्ट। तो आज के इस वीडियो का मोटिव यही था कि अपन टेबल को कैसे प्रिंट करते हैं ये दिखाएं। तो वीडियो को पॉज करके आप कोड भी लिख सकते हो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फॉर लूप का यूज़ करके टेबल को कैसे प्रिंट करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोड बहुत ही आसान सा कोड था। अगर आप बिगिनर हो तो आप बिगिनर से शुरुआत करो, आई मीन मैंने जो प्लेलिस्ट बना के डाली है, अगर आप शुरुआत से आप मेरे प्रोग्राम्स को कवर करते हो, हेलो वर्ल्ड से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, अगर 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप अगर इस चीज़ को कवर करते हो तो डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम तक आते आते आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा और ये प्रोग्राम भी आपको बहुत ही ईजी होने वाला है। अगर मेरी इस प्लेलिस्ट को और ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो, आप अपने कंसेप्ट को और क्लियर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि और प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए, तो आप ज़रूर ही चेकआउट करो मेरे इस प्लेलिस्ट, बेसिक सी प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है। मैं आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। एंड अभी आपको आइकन पे आई वाली आइकन पे अभी आपको लिंक वहाँ भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके मेरे इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो रियली पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दें और आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी ऐसी वीडियो देख सके। आसान तरीका से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लेंगे और एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे और आने वाली जो भी लैंग्वेज है उसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, आपसे आपके बैंक अकाउंट से और कहीं से भी कुछ बैलेंस डिडक्ट नहीं होता है, तो आप डेफिनेटली आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।